आज के इस रिपोर्ट कार्ड के एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं आपको ऐसी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड जिनने अपना पहला बर्थडे बनाया है इंडिया में। सो हैप्पी बर्थडे रियलमी। आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन, मैं हूं संदीप। और रिपोर्ट कार्ड की सीरीज में जैसे आपको बता चुके हैं कि आज हम देने वाले हैं रिपोर्ट कार्ड रियल मी का, एक ऐसा ब्रांड जिसने एक साल में काफी लंबी उछाल मारी है। और इस वाले डिस्कशन में मेरा सहयोग देंगे नंद गोपाल राजन और निमेश। और सबसे पहले देख लेते हैं नंबर्स का खेल। ₹2019 का उभरता हुआ ब्रांड Realme ने इस साल में लॉन्च किए 13 सीरीज भारत में। अगर उनके सब वेरिएंट्स भी इंक्लूड कर लें तो उन लोगों ने लॉन्च किए 34 स्मार्टफोन्स इंडिया में। तो अब बात कर लेते हैं कैमरा में क्या किया, और सबसे पहले बात कर लेते हैं रियर कैमरा की। उन लोगों ने लॉन्च किए 15 फोन जिनमें थे क्वाड कैमरा सेटअप। ट्रिपल कैमरा में एक भी फोन लॉन्च नहीं किया, डबल में उन्होंने लॉन्च किए 17 फोन, और साथ ही साथ सिंगल में भी लॉन्च किए 0 फोन लॉन्च। और 48 मेगापिक्सल वाले लेंस के साथ उन लोगों ने लॉन्च किए 10 फोन, और 64 मेगापिक्सल के साथ उन लोगों ने लॉन्च किए 8 फोन। तो यानी कि अगर नंबर्स की ओर देखेंगे तो उन्होंने ऑलमोस्ट 45% फोन इस साल जो लॉन्च किए थे वो किए थे क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, और उससे पहले डबल कैमरा के साथ उन लोगों ने लॉन्च किए 51% फोन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि पूरे साल भर में उन लोगों ने टेक्नोलॉजी में जो चीज हॉट स्पेक्स चल रहे थे उस पे प्ले किया। फर्स्ट हाफ में इस साल के जो पहले 6 महीने थे उस टाइम पे डबल कैमरा पे काफी फोकस आते जा रहा था, तो डबल कैमरा के बाद उन्हें लगातार फोन लॉन्च करते रहे। लेकिन जैसे ही क्वाड कैमरा के फोन आने स्टार्ट हुए उन्होंने ट्रिपल कैमरा को ही छोड़ दिया और सीधे जंप किया क्वाड कैमरा में, और उसमें लॉन्च किया 51% फोन। और अब फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा में उन लोगों ने डबल कैमरा लेंस के साथ कोई भी फोन लॉन्च नहीं किया। 32 मेगापिक्सल पे एक फोन लॉन्च किया, 25 मेगापिक्सल पे 3 फोन लॉन्च किए, 16 मेगापिक्सल पे 14 फोन लॉन्च किए, और साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल पे 10 फोन लॉन्च किए। 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ लोगों ने 4 फोन लॉन्च किए। यानी कि अगर नंबर्स की ओर देखें तो मैक्सिमम जो उनके फोन थे 16 मेगापिक्सल के साथ आए थे जो थे ऑलमोस्ट 42.42%, और उसके बाद 13 मेगापिक्सल पे 30.30% फोन लॉन्च किए। तो कैमरा में अगर दोनों का कंपैरिजन देख लें तो एक चीज है, जो भी इस साल चीज हॉट थी, जो भी इन टेक्नोलॉजी थी जिसका लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कुछ आएगा, उनने उसका दामन नहीं छोड़ा। जैसे कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि 64 मेगापिक्सल पे भी फोन उन्होंने लॉन्च कर दिया जो 8 फोन थे, जो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री में इस टाइम 64 मेगापिक्सल के साथ फोन। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में भी वीवो और ओप्पो की तरह रियलमी ने भी 6 इंच से नीचे एक भी फोन लॉन्च नहीं किया। जितने भी उन्होंने फोन लॉन्च किए वो थे 6.1 इंच से लेके 6.5 इंच के बीच में। यानी कि बिगर डिस्प्ले उस वाले फिलॉसफी में काम करता है, बड़ा है तो बेहतर है। तो ये तो था डिस्प्ले की बात। अब बात करते हैं रैम में। रैम में इन लोग ने भी एक्सपेरिमेंट किया 2 GB के साथ, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB फोन के साथ। तो 2 GB में लॉन्च किए इंटेल मेमोरी रैम के साथ 2 फोन, 3 GB में इन्होंने किए 8 फोन लॉन्च, 4 GB के साथ इन लोगों ने किए 10 फोन लॉन्च, और 6 GB के साथ इन्होंने लॉन्च किए 3 फोन, 8 GB पे इनने किए हैं 10 फोन। यानी कि नंबर्स को अगर देखें तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने 30.30% फोन लॉन्च किए हैं 4 GB रैम के साथ। यानी कि बेसिक रैम इनने 4 GB पे ज्यादा प्ले किया है, और उसके बाद इन लोगों ने किए हैं 8 GB फोन, अगेन वो भी 30% जो फोन थे इनके वो थे 8 GB पे। यानी कि जो मैक्सिमम फोन की रेंज थी इनकी वो थी 4 GB और 8 GB पे प्ले किया है, और उसके बाद 3 GB वाले पे प्ले किया है, और ये वाले 3 GB वाले फोन जो थे वो थे 24%। अब बात कर लेते हैं इंटरनल मेमोरी में क्या गेम खेला। इन लोग ने यूज किए 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB और 256 GB। और इसमें 16 GB में एक फोन लॉन्च किया, 32 GB में 7 फोन लॉन्च किए, 64 GB में इन लोगों ने 11 फोन लॉन्च किए, 128 GB में 12 फोन लॉन्च किए, और 256 GB के साथ इन्हें लॉन्च किए थे 2 फोन। यानी कि जो इनका मैक्सिमम फोन का स्प्रेड देखे तो इनके जो मैक्सिमम फोन थे 33.3% फोन जो थे वो 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आए थे, और उसके बाद 36% जो मेजोरिटी फोन थे वो आए थे
128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। यानी कि रैम में भी ध्यान दिया और इंटरनल मेमोरी में इन लोग ने मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके उतना देने की ट्राई की। एक्सपेंडेबल मेमोरी में इन लोग ने खाली 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट दिया था और इनके ऑल जितने भी फ़ोन थे सब के सब इसी मेमोरी के साथ एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ आए। उसके बाद बैटरी की अगर बात कर ले तो बैटरी में इन लोग ने 4000 mAh से कम में 6 फ़ोन लॉन्च किए, 4000 से 5000 के बीच में 22 फ़ोन लॉन्च किए और 5000 mAh और उसके अबाव 5 फ़ोन लॉन्च किए। यानी कि ऑलमोस्ट 67% फ़ोन इन लोग ने 4000 से 5000 mAh के बीच में लॉन्च किए। और अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर में इन लोग ने भी कुछ फ़ोन लॉन्च किए थे मीडियाटेक के साथ, तो अगर डिवाइड देख ले तो मीडियाटेक बेस्ड फ़ोन इन लोग ने रियलमी ने लॉन्च किए हैं 8 और क्वालकॉम बेस्ड लॉन्च किए हैं 25। यानी कि ऑलमोस्ट 75% फ़ोन Qualcomm चिपसेट बेस्ड फोन इस साल उन लोगों ने लॉन्च किए। और अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस डिवीजन, किस प्राइस बैंड में कितने फोन इन लोगों ने लॉन्च किए। तो अंडर 10,000 रुपए इन लोगों ने लॉन्च किए 12 फोन यानी कि 36% फोन और 10,000 से 15,000 के बीच में इन लोगों ने लॉन्च किए हैं 7 फोन यानी कि 21.2% फोन इस प्राइस रेंज में लॉन्च किए। 15,000 से 20,000 के बीच में इन लोगों ने लॉन्च किए हैं 9 फोन यानी कि 27% फोन और 20,000 से 30,000 के बीच में इन लोगों ने लॉन्च किए हैं 3 फोन यानी कि 9% फोन और 30,000 से अबव की प्राइसिंग में इन लोगों ने लॉन्च किए 2 फोन यानी कि 6% फोन। ये काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा नजर आ रहा है यहाँ पर, जो नंबर्स बन के आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट 57% फोन जो रियलमी ने 2019 में लॉन्च किए हैं वो थे 15,000 रुपए से कम की कीमत में। यानी कि जो बजट सेगमेंट में अपना होल्ड एस्टैब्लिश करना चाहते थे उसमें काफी हद तक कामयाब रहे अपने प्राइसिंग को लेके। और साथ ही साथ ये एक सेगमेंट था जिसमें शाओमी काफी मजबूत दावेदार था और वहां पर उनको चुनौती देने के लिए उनने इस सेगमेंट में काफी सारे फोन लॉन्च किए और प्राइस पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखा। कुछ कुछ फोन तो ऐसे थे जिनमें खाली 500-1,000 रुपए का डिफरेंस था जो नए नए वेरियंट्स आए थे। तो फ्रेंड्स, नंबर का खेल तो आपने देख लिया, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, क्योंकि आप मुझे मालूम है अगर आप दोबारा आए हैं तो आपने जरूर सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन प्लीज दबा दीजिएगा और साथ ही साथ घंटी भी, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए, कमेंट्स आपके आए और आपके कमेंट्स पढ़ के हमारा दिल हो जाए गार्डन गार्डन। तो नंदू, सबसे पहले पूछते हैं कि आपसे पूछते हैं कि रियलमी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगे आपको इस साल में। देखो, अगर आपने कोई इंटरनेशनल नंबर देखा हो फोन में कितना बिक रहा है, क्या बिक रहा है, तो हर जगह आपको दिखेगा 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया। अब उस लाइन में रियलमी का नंबर लगता है 800% बढ़ गया। अब ये जो है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक कोई ब्रांड आया एक साल में आउट ऑफ द ब्लू इतना सारा नंबर किया। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इमीडिएटली टॉप 5 रेंज में आना बहुत ही मतलब मेहनत वाली काम होता है। इवन इन कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे आपको मिलियन से फोन बेचना पड़ता है टॉप 5 में आने के लिए एक क्वार्टर में। अब ये करके दिखाया है रियलमी ने, और इसका एक इफेक्ट ये हुआ है कि शाओमी जो बहुत अपने जगह पे बहुत खुश था, शाओमी थोड़ा सा हिल गया है, मतलब पूरी तरह से हिल गया है, बाकी लोगों को भी हिला के रख दिया है। अब ये मार्केट जैसे ना जियो का इम्पैक्ट हुआ, मतलब जियो से ज्यादा इम्पैक्ट बाकी लोगों पे हो रहा है कि वो कैसे अपने मार्केट को, क्योंकि रियलमी अब एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है। राइट, अब रियलमी इतना ज्यादा फोन भी लॉन्च किया है कि ऑलमोस्ट मतलब एक टाइम पे दिवाली के अराउंड तो हफ्ते में उनका एक फोन आ रहा था। राइट, सो ये अब मैं नहीं बोल सकता कि अच्छा चीज है, बट बहुत इंपैक्ट मार्केट में, आई थिंक इस साल तो मैं बोलूंगा 2019 तो रियलमी का साल था। राइट, निमिष, खरगोश को जगा दिया कछुए ने, ये कहावत बिल्कुल सही बैठेगी इनके ऊपर। मैं तो ये कहूंगा कि रियलमी की हालत वो है कि 2018 में बाराती बन के आए थे, 2019 से दूल्हा बन गए। अरे वाह, बाराती से दूल्हे तक का सफर रहा है 2019 में रियलमी का। लेकिन उसके अलावा अगर देखें इनके प्लस पॉइंट देखें तो एक चीज रहेगा कि अनलाइक ओप्पो वीवो के जिन लोग ने हाई एंड में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड किया था, उनने कहा भैया रहन दो, वहां पर बहुत कंपटीशन है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा जल्दी से, नया ब्रांड है। तो हम उस सेगमेंट में प्ले कर लेते हैं जो बजट सेगमेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली होती है, लोग खरीद फरोख्त करते हैं। तो जितनी मजबूती से उन्होंने सेगमेंट को कैप्चर किया और साथ में जो फोन लाए, जो स्पेक्स के मामले में अगर स्पेक्स कंपेयर करने वाले लोगों के लिए देखा जाए, जिन्हें वो स्पेक्स देखते हैं, उनको किसी चीज की कमी ज्यादा लग नहीं रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा मेरे ख्याल से। ये भाई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और एक चीज है, जैसे नंद गोपाल ने भी कहा कि उन्होंने शाओमी का नाम लिया था जी, तो कई लोग कहते हैं कि
रियलमी को बनाया गया था जी शाओमी को काउंटर करने के लिए। अगर हम शुरू करें तो रियलमी ओप्पो का ब्रांड था, उनका पहला फोन जब आया था पिछले साल उसमें लिखा था रियलमी बाई ओप्पो लिखा हुआ था, राइट साफ साफ लिखा हुआ था। अब तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांड है जी, अपने अपने टांगों पे खुद खड़ा हुआ है जी। लेकिन अगर आप देखिए तो इन दोनों कंपनीज की राइवलरी जो है ये 2019 को डिफाइन करती है एक तरीके से। अगर आप देखिए 10,000 से 15,000-16,000 तक हर 1,000 रुपए पे आपको एक रियलमी का भी फोन मिलेगा, शाओमी का भी फोन मिलेगा। और अगर रियलमी का फोन बिक रहा है शाओमी के मुकाबले में, इससे ज्यादा कहने की बात क्या है? राइट राइट, आप विश्व के टॉप 10 में आ गए, आप देश के टॉप 5 में आ गए एक साल के अंदर, ये तो अप्रत्याशित है। एग्जैक्टली नंदू, इसके अलावा आपको कोई प्लस पॉइंट और लग रहा है रियलमी का? इन्होंने बहुत उस टाइम पे सबको लगा था कि ये सिर्फ वॉनबी ब्रांड है ना, रेडमी को काउंटर करने के लिए रियलमी नाम पे क्लेम कर रहे हैं, थोड़ा सा है ना वो कहते हैं ना कि वो ब्रश ऑफ इफेक्ट मिल जाएगा उनको। लेकिन इनका स्ट्रैटेजी उससे भी स्ट्रांग था। अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है देखो शाओमी ऐसा ब्रांड है जिसको बहुत सारा फैन यूजर्स है, राइट, जो एक साल ले लिया, मे बी 1.5 साल 2 साल बाद उसका उसी का नया फोन ले लिया, अब तीसरी बार क्या वही फोन लेंगे? उनको लेना उसी बजट में है, तो एक वो जो एक बोर्डम आ जाता है ना ब्रांड के साथ, उसको कैप्चर करने के लिए एकदम रेडी होके खड़े थे, आप ले लो मेरा मेरा फोन भी उसी रेट का है, फील भी आपको शायद थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा, नाम भी ऐसे ही तो ये ऑलमोस्ट मतलब अमिताभ बच्चन की डुप्लीकेट की तरह खड़ा हुआ है, और ये ऐसा डुप्लीकेट जो घर के आपके साथ घर आ जाएगा आपके, राइट राइट। तो ये सब स्ट्रैटेजी, देखो बहुत सारी स्ट्रैटेजी हो सकते हैं जो खेलने के लिए। अब चाइनीज मार्केट जो इतना कॉम्पिटेटिव मार्केट है, यहाँ पे उन्होंने हर चीज सीख लिया है, राइट। तो ये ब्रांड्स और उसके सब ब्रांड्स इसलिए बनते हैं कि देखो ये सब ब्रांड एक स्पेसिफिक चीज को कैच करने के लिए, और उसपे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और शायद उनके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत बेटर, राइट। और एक और बड़ी अच्छी चीज जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगती है रियलमी ने उस साल में की है, इस साल अगर आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड ऑफलाइन मार्केट में काफी कंसंट्रेट कर रहे थे कि भैया हम यहाँ पर पैर जमाएंगे, लेकिन सबका एक ही रोना था मैक्सिमम ब्रांड्स का कि ऑफलाइन प्राइसिंग और ऑनलाइन प्राइसिंग में इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी हो रही थी, लोग कह रहे थे यार यहाँ तो ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो फोन लुटते हैं, कोई ब्रांड मैनेज नहीं कर पा रहा था। और जो रियलमी ने अच्छे से कर पाया कि ऑफलाइन वालों को प्रोडक्ट्स का राइट टाइम पे अवेलेबल भी करवाए, और प्राइसिंग भी मैनेज की कि भैया जो तुम्हें ऑनलाइन पे मिल रहा है उससे ना 500 रुपए कम ना ज्यादा, सेम प्राइस पे तुम्हें ये फोन ऑफलाइन में मिलेगा। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी बात थी, बहुत बड़ी बात, राइट। संदीप अगर आप देखें सारे ब्रांड्स में तो रियलमी का फोकस बहुत शार्प रहा है। आप देखिए ओप्पो थोड़ा ऊपर भी रहे हैं, थोड़ा नीचे भी रहे हैं, वीवो ऑनलाइन भी रहा है, ऑफलाइन भी रहा है, शाओमी टीवी भी बनाने लगा है, कई चीजें हैं, वन प्लस भी टीवी में आ गया इस बार जी। रियलमी का देखिए अकेला ब्रांड है, 6,000 से 15,000 का मार्जिन मेनली पे फोकस करेगा जी, खूब सारे फोन डालेगा जी, और उसका फोकस इतना टाइट वहां रहा है कि हर बार लॉन्च पे लोगों का उनका ध्यान जाता है। अब रियलमी आप कहते हैं आपके दिमाग में बजट फोन सीधे आ जाता है, राइट। तो ऑलमोस्ट 50% फोन जो इस साल इन्होंने लॉन्च किए हैं वो 5,000 से लेकर 15,000 की रेंज में, ही काफी बड़ा नंबर है, और किसी को डिसअपॉइंट भी नहीं किया, फोन भी अच्छे थे, फोन थोड़ा डिजाइन में ऐसा लगता था कि कंटिन्यूशन हो रहा था, लेकिन लेकिन ये ट्रैप भी है, जैसे शाओमी के साथ हुआ, आप 10 और 5 और 15 के बीच में फंस जाओगे, आप जब अपना फोन 18-19 में बेचने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि वो उस रेंज में लोग प्रेफर करेंगे कि शायद ओप्पो ही ले लें या वीवो ले लें, क्यों रियलमी, बिकॉज रियलमी विल बी ब्रांडेड एज अ बजट ब्रांड, राइट। सो वो एक ट्रैप भी है, तो ये लोग अगर इतना बड़ा हो गया, एम्बिशियस बन जाएंगे कि है ना मैं वन प्लस को काउंटर करने वाली फोन बनाऊं, शायद कोई खरीदे ना, राइट। तो आपको क्या लगता है इस साल उनका नेगेटिव पॉइंट क्या रहा है, या जहां पर वो थोड़ा चूकते हुए नजर आए? सी मुझे ये थोड़ा सा लगता है इस टाइप का जो एक वेव मिलता है आपको, एक ये मिलता है ना, इसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें मतलब सब आपका फोन खरीद रहे हैं लेकिन कोई आपका फोन याद नहीं रखेंगे जी, क्योंकि आपके पास एक मतलब इतना सारा फोन आ गए एक ही प्राइस पॉइंट में, वेरिएशन नहीं है कोई ऐसा। देखो ये ओप्पो ये वीवो या नोकिया आप कोई भी ब्रांड, एक फ्लैगशिप फोन क्यों लेके आता है? अब किसी को वो फोन नहीं याद होगा जो 10,000 में बिक रहा है, लेकिन वो फ्लैगशिप ब्रांड याद रहेगा, वो फ्लैगशिप फोन याद रहेगा, उसका एक हीरो इफेक्ट रहता है, यार 50,000 रुपए का फोन है वो मैं खरीद नहीं पाया, चलो 10,000 का भी लेके आ गया उस ब्रांड का जी, राइट। इनके पास अगर वो नहीं है ना तो वो एक ट्रैप है, क्योंकि वो ब्रांड रिकग्निशन ब्रांड आइडेंटिटी में थोड़ा इश्यू होता है, राइट। तो निमिष आप इस स्टेटमेंट से सहमत है कि इनके पास कोई हीरो प्रोडक्ट नहीं था? हीरो प्रोडक्ट की बात नहीं है, अगर आप देखिए मिड सेगमेंट में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर है जी, आपने कहा लुक एंड फील सेम है जी, तो आपका ओएस वही है, आप तो स्पेसिफिक्स बढ़ाते जाते हैं, स्पेसिफिकेशन बढ़ाते जाते हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि वो स्पेसिफिकेशंस का फर्क आपको परफॉर्मेंस उतना दिखता नहीं है
जी मैं ये नहीं कह रहा परफॉर्मेंस खराब है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जैसे कोई रियलमी एक्स और XT का ले ले जी, तो ठीक है साइज डिस्प्ले का अलग हो गया, प्रोसेसर चेंज थोड़े से हो गए, यहाँ वहाँ चेंजेस थोड़े हो गए, लेकिन कई लोगों ने कहा भाई 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और 48 मेगापिक्सल का कैमरा, हमें फर्क कोई खास दिखा नहीं। तो ये इनकी प्रॉब्लम ये आने जा रही है कि अगर आपके अलग प्राइस पॉइंट पर अलग प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी पोजिशनिंग आप कैसे अलग करने जा रहे हैं, वो दिमाग में आप कहाँ फिट करने जा रहे हैं। जैसे शाओमी का भी एक तरह से देखिए तो उनकी नोट सीरीज एकदम अलग है जी, नोट सीरीज अलग है, उनकी एक सेल्फी सीरीज है, रियलमी का ऐसा कोई सेल्फी सीरीज नहीं है, उनके पास वो कहते हैं हमारा नंबर सीरीज है, हमारी सी सीरीज है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन अगर आप मेंटली डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करिए तो मेंटल डिस्टिंक्शन अभी बना नहीं है। तो मैं कहूंगा इनका इनकी पोजीशनिंग इस समय थोड़ी सी वीक है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं लेकिन दिमाग में कहां अटक रहे हैं ये क्लियर नहीं है। राइट right. और मुझे भी ये लगता है क्योंकि अगर हम देखेंगे कि इस पूरे साल भर में जो भी उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की उन्हें नंबर गेम खेला है, खाली नंबर ज्यादातर मैक्सिमम टाइम में नंबर गेम खेला है कि हम 48 मेगापिक्सल का कैमरा ला रहे हैं, 64 मेगापिक्सल का कैमरा ला रहे हैं, हम 8GB वाला फोन ला रहे हैं, 6GB वाला फोन ला रहे हैं, हम क्वाड कोर फोन ला रहे हैं, इवन देखा जाए तो इस बार मैक्सिमम फोन जो ऑलमोस्ट 17 फोन जो लॉन्च किए थे वो क्वाड कैमरा के साथ थे रियर में, लेकिन उनने कहीं पर भी इनिशियल सक्सेस के बाद मुझे लग रहा था कि वो एक्सपीरियंस प्ले करेंगे कंज्यूमर्स को, बोलेंगे आपको एक्सपीरियंस ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, उस पर वो पूरे साल भर में नहीं आए। होपफुली अगले साल शायद एक्सपीरियंस की बात करने लगेंगे नंबरों से हटकर। उसका एक रीजन भी है, देखो 1.5 साल पुराना या 2 साल पुराना ब्रांड है जी। उनके पास रिपीट कस्टमर अभी है नहीं, अब एक्सपीरियंस आपने पहले दे दिया, रिपीट कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस चाहिए होता है जी। पहले वाले को तो वही एक्सपीरियंस है जो आपने बेचा है राइट, उसको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो वापस आएगा तो ही विल एक्सपेक्ट अ बेटर एक्सपीरियंस। अब अगले साल का जो फोन्स है उसमें उनको बेटर एक्सपीरियंस ऑफर करना पड़ेगा और उसके बारे में बोलना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा और ये एक डिफरेंशिएटर बनाना भी पड़ेगा उनको। अब एक और चीज मुझे लगता है आई थिंक ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि ये इतने सारे ब्रांड्स नहीं इतने सारे डिफरेंट SKUs जो ये बोलते हैं SKUs क्यों है, अब आप कह रहे हो कि इतने सारे फोन है लेकिन सब में क्वाड कैमरा है। अब ये एक चाइनीज कंपनीज का एक इंटरेस्टिंग ये है कि ये सप्लाई साइड को मैनेज करते हैं। अब एक उनको फोन लेके आना है वो पहले डिसाइड करते हैं हम उसका 3 लाख यूनिट लेके आ रहा हूँ। अब 3 लाख यूनिट को उस प्राइस पॉइंट पे उन्होंने लॉक कर दिया, वो बना के इंडिया भेज दिया राइट। अब पहले क्या है कि वो पहले वो सप्लाई साइड चलता रहेगा, उस मतलब आपने एक फोन लॉन्च किया वो आपको 2 साल बेचना है तो वो फोन आपका वहां पे बनता रहेगा, यहाँ पे बना के यहाँ बेच दिया है। अब ये फोन पॉपुलर है, इस फोन का और डिमांड है तो आपके पास देने के लिए सेम नहीं है, तो आप 3 महीने बाद यही फोन खरीदने जाओगे मार्केट से बनाने की कोशिश करोगे तो आपको सेम प्राइस पॉइंट में स्लाइटली बेटर फोन मिल जाता है, क्योंकि आपने जो 3 महीने जो फोन बेचा वो एक उस टाइम का था तो उसमें एक स्पेक आप थोड़ा सा बेटर दे सकते हो, प्राइस पॉइंट आपका कॉस्ट कंपनी सेम है राइट right. so, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है आपके पहले फोन से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा नया फोन राइट, तब वो उसको ये लोग चेंज कर देते हैं, बट अल्टीमेटली फोन सब एक ही सीरीज में चल रहा है, यू नो वो पहले की तरह बना देगी, थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं सब वही है राइट। निमिष आपको क्या लगता है और क्या कमी रह गई रियलमी की स्ट्रेटजी में? कमी नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी सी, जैसे कुछ तो कह सकते हैं डायनेमिक है लेकिन थोड़ी सी परसेप्शन आता है ना कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी का परसेप्शन कभी कभी आता है। पिछले साल शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा चलिए हम लोग साल में शायद 2 या 3 फोन निकालेंगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा चलिए नहीं हम लोग केवल 10-12 हजार के नीचे रहेंगे, उसके बाद इस साल के अंत आते आते 30 हजार रुपए तक का फोन आ गया था जी। बीच में ब्रांडिंग चेंज एक बार हो गई, शुरू में कहा मोपो की ब्रांड है, अब कह रहे हैं मोपो के ब्रांड नहीं राइट, तो दो फोन इस बार 30 हजार के ऊपर लॉन्च किए हमने जी। अब मास्टर एडिशन निकाल रहे हैं, अब एकाएक गार्लिक अनियन एडिशन निकाल रहे हैं, अब कभी कभी फंकी होने की कोशिश कर रहे हैं जी, अब कई चीजें होने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार कभी कभी लगता है इंप्रेशन लगता है ना कि हम नए आए हैं, हम खेल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अनियन एडिशन की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि अनियन एडिशन ना काफी अच्छा एडिशन है क्योंकि जो ओरिजिनल प्याज के दाम चल रहा है ना उसे तो सस्ता ही है, आई नो उसे तो सस्ता ही है प्राइस पॉइंट राइट, उसी को ग्रेट करके डाल दीजिए राइट। तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है बात करने की वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कौन सा था रियलमी का साल 2019 का, और साथ ही साथ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। निमेश आपके सबसे अच्छा फोन कौन सा था रियलमी का? मैं कहूंगा रियलमी एक्स था उनका, जिसमें अनियन एडिशन वो सब था, डिजाइन अलग थी और सेगमेंट में बहुत अलग दिखने वाला फोन एकाएक आ गया था, क्योंकि हमारे पास हम लोगों को आदत पड़ गई थी वो ग्रेडियंट फिनिश पीछे पीले हरे लाल वाले इसमें सफेद सा फोन था जी, और एमोलेड डिस्प्ले उस समय एमोलेड डिस्प्ले प्राइस पॉइंट में कम मिल रहा था, पॉपअप कैमरा कम मिल रहा था जी, तो उस टाइम के लिए बहुत डिजाइन बहुत अच्छी थी उस फोन की।
आपको कैसे है? मैं भी वही बोलूंगा क्योंकि उस प्राइस पॉइंट उस सेगमेंट को डिफाइन करने वाला एक फोन था, क्योंकि फिर उसके बाद सब कैचअप कर रहे थे कि मुझे भी यही ऑफर करना है। राइट, तो इस वाले फोन पे हम तीनों की सहमति है, रियलमी एक्स में डेफिनेटली एक एक्स फैक्टर था और प्यास का तड़का जो तड़का लगाया उन्होंने, वाह, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। निमिश, आपको क्या लगता है 2020 में रियलमी क्या क्या कर सकता है? और 2020 में जैसे नंदगोपाल ने कहा था, सबसे बड़ा उनका चैलेंज ये होने जा रहा है, आपने पहले ही इनिशियल एक्सपीरियंस दे दिया, आपने पहले कंज्यूमर्स आपको मिल गए, अब आप उन कंज्यूमर्स को रिपीट कैसे कर पाएगा, क्योंकि आपने तो फाउंडेशन बना दिया है। अभी तो आपका 800-1000% रेट ऑफ ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि जल्दा तो दिखाएंगे, अपने ट्रेलर नहीं दिखाया ना, पूरी मूवी दिखा चुके हैं, अब मूवी का पार्ट टू लाना पड़ेगा, सीक्वल लाना है। अब इस पे बिल्डअप कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें एक के बाद एक ट्राई कर रहे हैं। इसमें स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, वो मेंटल पोजिशनिंग आएगी कि जब आप रियलमी कहते हैं ये सीरीज तो सेल्फी होगा, ये सीरीज तो गेमिंग होगा, ये सीरीज फोटोग्राफी होगा, क्या होगा, वो करना इनके साथ जरूरी है, क्योंकि इस समय हर रियलमी फोन हर चीज करता है, जो एक तरीके से अच्छी बात भी है लेकिन कंफ्यूजिंग होता है। राइट, यानी कि राम और शाम की फिलोसफी से बाहर निकल के राम को अलग करो, शाम को पूरा अलग करो, राम की फिलोसफी निकल के राम और शाम की फिलोसफी पे आ जाएगा। नंदू, आपको क्या लगता है इस साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलमी से? कुछ तो एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी बहुत कुछ कर दिया है, राइट? अब अगेन रिपीट कस्टमर आपको होल्ड करना है, पहली बार आपके पास ऐसे कस्टमर आएंगे जो आपका फोन पहले यूज कर चुके हैं, अब आप उनको क्या दोगे, थोड़ा बेटर देना पड़ेगा, शायद इस सेगमेंट का एक पेक्युलैरिटी है कि शायद वही प्राइस पॉइंट पे देना पड़ेगा, वो अगर पुश करेंगे तो 1000 रुपए तक पुश करेंगे, 8000 से शायद 9000 पे आएंगे, तो आप उनको क्या बेटर एक्सपीरियंस दोगे? अब मुझे एक चीज जो मुझे लगता है इसमें कि इनका फोकस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन पे है, उससे भी थोड़ा इनको बाहर आना पड़ेगा, एक अपने अपने लेवल पे कि अच्छा मैं अभी हो गया, मेरे पीछे अपना हवा है। बिल्कुल, आपने मेरा मेरे मुंह में जो पॉइंट आ रहा था, मैं बोलने वाला था, वही खींच लिया आपने, आप बताइए। ये इंडिया पाकिस्तान वाली बात होगी ना, पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं रहा तो पाकिस्तान का तो कोई यही नहीं है, औकात ही नहीं है उसके बाद, ये वाली बात हो गई। अब इनको सोचना चाहिए कि मैं अपने आप अपने पैर पे खड़ा हूँ, अब मुझे और कुछ नहीं सोचना है जी, नहीं, अब मैं अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करूंगा, अभी तक ये सोच रहे थे कि मैं उनका कस्टमर को कैसे खींचूंगा, राइट? ये माइंडसेट से इनको बाहर आना पड़ेगा। राइट, मुझे भी लगता है कि 2020 में रियलमी अपना ये वो तूतू में वाला कंसेप्ट जो चल रहा था इस साल पूरा, कि शाओमी से हम ये बेटर हैं, उससे वो बेटर है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो खुद नाम लिए हैं अपने ट्वीट्स में, चाहे उनके सीईओ हो या कंपनी हो, सबने इस चीज़ के बारे में उंगली की है। तो अगर इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, थोड़ा प्रोडक्ट पर अगर ज़्यादा फोकस कर लेंगे, आई थिंक सोने पर सुहागा हो सकता है अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड का आ गया है द एंड। आपके कोई कमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे आपका जवाब जल्दी आप तक पहुंचे, और जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।